आज हम पेटीएम का एटीएम उसकी अनबॉक्सिंग करने वाले हैं और इस कार्ड को किस तरह से एक्टिवेट करना है वो हम इस वीडियो के अंदर दिखाने वाले हैं। तो फ्रेंड्स सबसे पहले हम इस कार्ड को सबसे पहले ओपन कर लेते हैं। दोस्तों ओपन करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह का आ जाएगा, तो पहले हम इसको साइड पर रख देते हैं। तो जैसे इसको खोलेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह का एटीएम होगा। तो यहाँ पर आप सभी के लिए यहाँ पर कुछ इस तरह का एटीएम कार्ड आ जाएगा। दोस्तों यहाँ से आप सभी को धीरे से इस एटीएम कार्ड को पीछे से खींच लेना है। तो दोस्तों कुछ इस तरह का एटीएम कार्ड है, तो पहले हम इस कार्ड को बाजू पर रख देते हैं। उसके बाद देख लेते हैं कि यहाँ पर से कुछ इस तरह से एटीएम कार्ड मिल जाएगा और पीछे की तरफ से आप सभी को लिखा हुआ आ जाएगा कि किस तरह से इसको कर देते हैं एक्टिवेट, और इसी तरह के ऑप्शन मिल जाएंगे। तो इसको भी हम साइड पर रख देते हैं। उसके बाद देख लेते कार्ड इसके अंदर कुछ है या नहीं। तो दोस्तों इसके अंदर और कुछ नहीं है। दोस्तों आप देख सकते हैं कि पेटीएम का एटीएम कार्ड कितना अच्छा दिख रहा है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो सब इसको एक्टिवेट करने के लिए आप सभी को पेटीएम के अंदर चले जाना है। तो सबसे पहले इसके अंदर पेटीएम के अंदर चले जाते हैं। तो जैसे इसके अंदर पेटीएम के अंदर आने के बाद आप सभी को यहाँ पर नीचे दिया गया बैंक का ऑप्शन है, वहाँ पर क्लिक करना रहेगा। तो दोस्तों यहाँ पर करने के बाद आपके सामने यहाँ पर कुछ इस तरह का आ जाएगा। तो उसके बाद आप सभी को यहाँ पर नीचे स्लाइड करोगे तो यहाँ पर आप सभी को डेबिट एंड एटीएम कार्ड का ऑप्शन मिल जाएगा। तो सिंपली इसी के ऊपर आप सभी को क्लिक कर देना है। तो उसके बाद दोस्तों यहाँ पर मिल जाएगा आप सभी को कार्ड ऑर्डर स्टेटस। तो वहाँ पर क्लिक करने के बाद आप सभी के सामने आ जाएगा कि यहाँ से कितने कब हमने इसको मंगवाया था, कब ऑर्डर किया था, कब पैक हुआ और कब यहाँ आपके पास आ गया, सब कुछ आपके सामने आ जाएगा। तो उसके बाद दोस्तों यहाँ पर से आप सभी को मिल जाएगा नीचे एक्टिवेट योर कार्ड। तो एक्टिवेट योर कार्ड के ऊपर क्लिक कर देना है। उसके बाद दोस्तों यहाँ से आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। तो दोस्तों यहाँ से आप सभी को एक्टिवेट योर कार्ड के ऊपर क्लिक कर देना है। उसके बाद क्लिक करने के बाद दोस्तों आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। तो यहाँ पर जो भी आपका पासवर्ड हो वो आपको सिंपली पासवर्ड फिलअप कर देना है। तो पासवर्ड फिलअप करने के बाद दोस्तों आपके सामने कुछ इस तरह का स्कैन का आ जाएगा। तो दोस्तों कार्ड के पीछे यहाँ पर एक स्कैनर दिया गया है, तो सिंपली इसी को आपको स्कैन कर लेना है। तो दोस्तों जैसे ही स्कैन हो जाएगा तो आपके सामने फिर से कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। तो यहाँ पर आपने जो पासकोड सेट किया है वो लगा देना है। तो दोस्तों जैसे ही आप पासकोड लगा दोगे तो आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। तो यहाँ पर ऊपर लिखा है कि वेरीफाई डेबिट कार्ड डेबिट नंबर एंड अकाउंट नंबर। तो यहाँ पर नीचे कन्फर्म के ऊपर क्लिक कर देना। जैसे कन्फर्म के ऊपर क्लिक करोगे यहाँ पर आप सभी को बोला जाएगा कि सेट योर एटीएम पिन। तो आप सभी को यहाँ से एटीएम का पिन सेट कर देना है। तो दोस्तों जैसे यहाँ से आप एटीएम कार्ड का पिन सबमिट कर दोगे तो यहाँ पर आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा और ऊपर से आपके सामने मैसेज भी आ जाएगा कि योर कार्ड इज़ एक्टिवेट। तो दोस्तों उसके बाद यहाँ से लिखा हुआ भी आ जाएगा डेबिट एंड एटीएम कार्ड एक्टिवेट सक्सेसफुली। तो दोस्तों यहाँ से आप सभी को नीचे से ओके गॉट इट के ऊपर क्लिक कर देना है। तो दोस्तों जैसे आप ओके गॉट इट के ऊपर क्लिक करते हो यहाँ से आप सब अपना पिन का अकाउंट चेंज कर सकते हो, यहाँ पर सब कुछ कर सकते हो। तो उसके बाद दोस्तों यहाँ पर हम चले जाते हैं पासबुक के ऑप्शन के अंदर। तो दोस्तों जैसे ही पासबुक के ऑप्शन के अंदर जाएंगे तो यहाँ पर आप सभी का बैंक अकाउंट आ जाएगा। देख सकते हैं दोस्तों पेटीएम बैंक सेविंग अकाउंट, तो वहाँ पर क्लिक करेंगे, यहाँ से आप सभी का पासकोड है वो सिलेक्ट कर देना है। तो मैं पासकोड यहाँ से सिलेक्ट कर देता हूँ। उसके बाद आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आ चुका है कि यहाँ पर हमारे अभी तो 0 रुपये, यानी कि हमारा कार्ड है जो वो एक्टिवेट हो चुका है, यहाँ पर दिखा भी रहेगा। दोस्तों आप मंगवाना चाहते हो एटीएम कार्ड को तो दोस्तों आप सभी को यहाँ से बैंक के ऑप्शन में ही जाना है और यहाँ पर पासकोड डाल के बाद यहाँ पर ऑर्डर टू एटीएम कार्ड के ऊपर क्लिक कर देना, तो आप सभी का कार्ड है वो आ जाएगा।